ઉપસ્થિત થયા છે આપણે સૌ એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ હજારોની સંખ્યામાં આજે સમગ્ર પાટણ લોકસભા મત વિસ્તારમાંથી સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાંથી

પાટણની નગરીમાં આપણા સૌની વચ્ચે આપણો રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ આપણા સૌના ભવિષ્યના આવતીકાલનો ભવિષ્ય અને આપણી સૌની વચ્ચે આપણા લોક લાડીલા સન્માન્ય રાહુલ ગાંધી સાહેબ પધાર્યા છે આ બે તાળીઓ હાથ ઊંચા કરીને વધાઈ લઈએ એમનું સ્વાગત કરીએ રાહુલ ગાંધી જિંદાબાદ રાહુલ ગાંધી રાહુલ ગાંધી વાહ ભાઈ વાહ આજના સૌ મંચસ્વ આગેવાનો અને આજે વિશાળ સંખ્યામાં આપ સમર્થન આપવા ચંદનજી ઠાકોરને સમર્થન આપવા વધારા છો એ બદલ આપ સૌનું નમન કરું છું અને વંદન કરું છું આજની આ સભા ઐતિહાસિક સભા સન્માનીય મંચ બધાના કોઈના નામ નથી લેતો સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે પણ

જય ભવાની હું રાહુલ ગાંધીજીને જ વિનંતી કરીશ એમને બીજી ત્રણ સભાઓ છે આપણે સમય જાજો નહીં લઈએ મારા સાથે જોરથી બોલજો રાહુલ ગાંધી રાહુલ ગાંધી જિંદાબાદ જય ભવાની જય ભાજપ જવાની જય હિન્દ માનનીય રાહુલ ગાંધીજીને વિનંતી કરીશ કે આવો સન્માન કરાવી દેવું છે આનબાન શાન છે ભાઈ રઘુભાઈ દેસાઈ ગેની બેન ગેમર ભાઈ અને બળદેવજી ઠાકોર ને કે પાઘડી ફેરાવી અને રાહુલજી નું સ્વાગત કરે ત્યારબાદ કાંકરેજ ના ધારાસભ્ય અમરતજી ધારાસભ્ય દિનેશજી કિરીટભાઈ અને જીગ્નેશભાઈ ગાંધીજી નું સ્વાગત કરશે હવે આપણે સૌને પાટણની આ ઐતિહાસિક ધરતી ઉપર મહારાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહની આ ઐતિહાસિક ધરતી ઉપર રાજમાતા મિનર દેવી અને વિરાંગના નાયકા દેવીની આ પવિત્ર ધરતી ઉપર રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને હું વિનંતી કરું છું આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીને કે સમગ્ર દેશમાં આપની રાબરી નીચે આજે એક ક્રાંતિનું વાતાવરણ ઊભું થયું છે ત્યારે ઉત્તર ગુજરાતની આ જનતાને આપ સંબોધન કરો જય અંબાજી દેવીજી जय बहुचर माता जी मुकुल वासनिक जी शक्ति सिंह गोहिल जी जगदीश ठाकुर जी सिद्धार्थ पटेल जी शैलेश परमार जी लालजी भाई देसाई जी हमारे कैंडिडेट्स चंदन सिंह ठाकुर जी जेनीबेन ठाकुर जी रामजी ठाकुर जी स्टेज पे हमारे एम वरिष्ठ नेता भाइयों और बहनों कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत इतनी गर्मी में आप आए दूर दूर से आए इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं वो अलंकार से हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा बीजेपी के आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं जो भी हमें आजादी के बाद मिला चाहे शिक्षा स्वास्थ्य डेवलपमेंट, पानी जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है उसका कारण उसकी नींव संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है और आज पहली बार बीजेपी के नेता आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे फाड़ के फेंक देंगे खत्म कर देंगे भाई और बहनों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह जो संविधान है यही गरीबों की रक्षा करता है यही कमजोरों की रक्षा करता है यही किसानों की रक्षा करता है नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 22, 25 लोग हिंदुस्तान के पूरे के पूरे धन को पूरी सत्ता को पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करें आपने देखा पिछले दस सालों में यहां क्या हुआ है गुजरात में क्या हुआ और पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ आज हालत यह है मैं आपको बताता हूं दो उदाहरण आपको देता हूं आज हालत यह है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना सत्तर करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है बाईस लोग ऐसे हैं जिनका अगर आप धन जोड़ दें तो सत्तर करोड़ हिंदुस्तानियों जितना धन है उनके पास नाम आप जानते हो गुजरात में ही यह शुरू हुआ था अदानी अंबानी यह नाम है 20-25 लोग हैं किसानों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है अब आप ताली बजा रहे हो मगर यहां पे 90 परसेंट लोगों को यह नहीं पता होगा कि 16 लाख करोड़ कितना होता है आम आदमी को मालूम ही नहीं अगर आपने अदानी से कहा देखो भैया 16 लाख करोड़ कितना होता है दो मिनट में बता देगा मगर इतना बड़ा नंबर है कि जो किसान होता है मजदूर होता है छोटा व्यापार करता है उसको यह नंबर समझ ही नहीं आता मैं आपको समझा देता हूं हमने किसानों का कर्जा माफ किया था आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी अगर आप 25 बार हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है और 22 लोगों का भाई और बहनों 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया 24 साल का मनरेगा का पैसा 25 साल का किसान कर्जा 22 लोगों को हिंदुस्तान में एक परसेंट लोग 40 परसेंट धन कंट्रोल करते हैं यह सच्चाई है देश की और फिर नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है मजदूरों को छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है वहां ये लोग उनका ध्यान चला जाता है और उसको बंद करने की कोशिश करते हैं कभी कहते हैं इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है इनके ही बयान आते हैं ठीक है आरक्षण का मतलब क्या है सबसे पहले कि देश में गरीबों की दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की भागीदारी होगी यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है जो धन है उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा रिजर्वेशन का यह मतलब है रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर ये हमारे मीडिया के मित्र हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं बेरोजगारी महंगाई भागीदारी यही है ना मुद्दे किसानों की स्थिति आप मुझे बताओ मीडिया में आपने बेरोजगारी की बात कब सुनी कभी टीवी पर आपने देखा नहीं महंगाई की बात आपने कभी टीवी पर देखी कि भैया बहुत महंगाई हो रही है कभी देखी भागीदारी की बात कभी देखी सुनी आपने मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मैंने लिस्ट निकाली मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाली उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा मूठ बनाते हैं ये क्या दिखाते हैं सबसे पहले 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा आप देख लो या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा या फिर इन अरबपतियों की शादियां दिखेंगी या फिर बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे मगर आपको किसान कभी नहीं दिख सकता बेरोजगार युवा आपको टीवी पे मीडिया पे कभी नहीं दिख सकता मगर यह देश की सच्चाई है छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया स्मॉल मीडियम बिजनेस को खत्म कर दिया नोटबंदी की गलत जीएसटी लागू की आज सच्चाई है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है ये सच्चाई है मगर यह मीडिया में आपको कभी नहीं दिख सकती ठीक है तो मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं है तो कहां है आपकी आबादी 90% परसेंट है 15% परसेंट देश में दलित हैं, कम से कम 50% परसेंट पिछड़ा वर्ग है 8% परसेंट आदिवासी हैं पांच परसेंट गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए वही है अदानी अंबानी टाटा बिरला यही है और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में 200 नाम हैं, इनके मालिकों में मुझे एक पिछड़ा नाम दिखा दो एक दलित नाम दिखा दो एक आदिवासी दिखा दो एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो नहीं मिल सकता है ही नहीं हिंदुस्तान का 90 परसेंट पॉपुलेशन ना आपको मीडिया में मिलेगा ना आपको कॉरपोरेट इंडिया में मिलेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक निकालो उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा ठीक है छोड़ो आप कहोगे नहीं हिंदुस्तान के पिछड़े लोग दलित आदिवासी गरीब जनरल कास्ट के लोग कहेंगे नहीं भैया हमें मीडिया में अपना आदमी नहीं चाहिए हमें कॉपोरेट इंडिया में भी नहीं चाहिए सरकार में तो चाहिए होगा आपको सरकार कौन चलाता है नब्बे लोग चलाते हैं दिल्ली की सरकार मोदी जी साइन करते हैं नब्बे लोग आई अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं बजट का हर रुपया वो बांटते हैं गुजरात में कितना पैसा आएगा बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी दलितों को पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी सड़कें कितनी बनेंगी कहां बनेंगी कैसे बनेंगी कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा ये सारे के सारे निर्णय नब्बे आई अफसर लेते हैं मैंने इनके नाम निकाले नब्बे में से तीन अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे बैठा रखा है कोने में छोटा सा डिपार्टमेंट दे रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलने वाला पिछड़े तीन है दलित तीन है आदिवासी एक है और अगर आप हिंदुस्तान के बजट को देखें अगर सौ रुपए खर्च होते बजट में छह रुपए, दस पैसे ओबीसी दलित और आदिवासी अफसर करते हैं आपकी भागीदारी 90 परसेंट सॉरी आपकी आबादी 90 परसेंट आपकी भागीदारी 100 में से छह रुपए दस पैसे तो मेरा सवाल है हिंदुस्तान की जो 90 परसेंट आबादी है वो ना बिजनेस में है ना मीडिया में है ना प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं ना प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं ना सरकार में है तो कहां है मैं बताता हूं आपको किसान हैं मजदूर हैं बेरोजगार युवा हैं और छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं अब जीएसटी कौन देता है आपने शर्ट पहनी हुई है नीली कितने की खरीदी आपने हाँ आपसे पूछ रहा हूं भैया कितने की शर्ट खरीदी आपने हाँ आप कितने की हजार रुपए की आपने शर्ट खरीदी अगर यही शर्ट अदानी खरीदता अगर यही शर्ट अदानी खरीदता वो हजार रुपए की खरीदता जितनी जीएसटी आपने दी उतनी जीएसटी वो दे रहा है जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान शर्ट के लिए पैंट के लिए टूथपेस्ट के लिए देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है किसान की आमदनी हजारों रुपए में और उसकी हजारों करोड़ों रुपए में और जीएसटी एक जैसी तो जीएसटी कौन देता है 90 परसेंट देते हैं गरीब जनरल कास्ट के देते हैं दलित देते हैं आदिवासी देते हैं पिछड़े लोग देते हैं ये लोग देते हैं और सवाल उठता है जीएसटी जाता कहां सीधा उन्हीं बाईस लोगों के जेब में जाता है सोलह लाख करोड़ रुपए जो माफ किया ना, आपने कभी अपने आप से पूछा कहां से आया ये आसमान से नहीं टपका यह आपकी जेब में से आया है आप पेट्रोल भरते हो आपके जेब से पैसा निकलता है आप गाड़ी खरीदते हो जीएसटी पैसा निकलता है आप शर्ट खरीदते हो जीएसटी से पैसा निकलता है आप खाना खाते हो जीएसटी से पैसा निकलता है किसान 24 घंटा काम करता है वो जीएसटी देता है तो मेरा आपसे सवाल है अगर हिंदुस्तान के 20-25 अरब पतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं हो रहा अगर अदानी जी को देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ाया जा सकता है जमीन दी जा सकती है जल जंगल एयरपोर्ट पोर्ट सोलर पावर विंड पावर सारा का सारा उनको दिया जा सकता है तो किसान को मजदूर को बेरोजगार युवा को क्यों नहीं दिया जा सकता उसमें ऐसा क्या है जो हमारे किसानों में नहीं है उसमें क्या है जो हमारे मजदूरों में नहीं है एक ही चीज है भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती है बस वही एक चीज है और ऐसा है कि लॉटरी खुल गई है जो भी दिल में आता है एनडीटीवी अच्छा लगा उठा के ले गए ये देखो रिपोर्टर हंस रहा है इनकी गलती नहीं है मैंने इनको इसलिए बोला मीडिया के हमारे मित्र मित्र हैं मगर इनको बांध के रखा हुआ ही है जो दिल में है बोल नहीं सकते नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा फिर मतलब सैलरी नहीं मिलेगी प्रॉब्लम हो जाएगी देखो सिर हिला रहे हैं ये लोग कह रहे हैं हां जी हां जी सही बोल रहा है और जहां भी देखो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं आपने राम मंदिर का इनोग्रेशन देखा धूमधाम से हुआ उधर आपने एक गरीब किसान को देखा आपको एक मजदूर दिखा राष्ट्रपति आदिवासी हैं पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है राम मंदिर का उद्घाटन होता है वो हेड ऑफ स्टेट है मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया शर्म की बात है अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को क्यों क्योंकि वो आदिवासी तो पूरा ड्रामा चल रहा है उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस क्या है आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो समझा दी मगर अब क्या तो सबसे पहले यह पता लगाना है किस देश में किसकी कितनी आबादी है पिछड़े वर्ग के कितने हैं दलित वर्ग के कितने हैं आदिवासी कितने हैं गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं और फिर इनकी कितनी भागीदारी है फाइनेंशियल और हिंदुस्तान की संस्थाओं का इंस्टीट्यूशंस का सर्वे मीडिया में कितने हैं सरकार में कितने हैं प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितने हैं कहां कहां है और इनकी कितनी भागीदारी है मतलब जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे यह पहला काम होगा इसके बाद हिंदुस्तान की आबादी को पता लग जाएगा कि हम कितने हैं और हमारे हाथ कितना धन आ रहा है और कौन सी संस्थाओं में हमारे लोग हैं ये जो मैंने आपको 50 परसेंट बात बोली पिछड़ों की यह अंदाजा है यह एक्चुअली किसी को मालूम नहीं है यह अंदाजा है जाति जनगणना के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सबको पता लग जाएगा पहला काम यह है दूसरा काम अगर नरेंद्र मोदी जी 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं धन दे सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं हम वो अरबपति बनाते हैं 22, 25 अरबपति बनाए हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं मैं कह रहा हूं जितना पैसा उन्होंने अदानी जैसे लोगों को दिया है उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को मजदूरों को व्यापारियों को छोटे व्यापारियों को हम देने जा रहे हैं कैसे करेंगे मैं आपको बताने आया हूं आप जानते हो कि इक्कीसवीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं मजदूरी करते हैं जॉब करते हैं सही बात सही बात यस yes. yes. बाहर जो काम करते हैं आठ घंटा दस घंटा महिला और पुरुष दोनों करते हैं उनके लिए उनको पैसा मिलता है सैलरी मिलती है कॉम्पेंसेशन मिलता है मगर सच्चाई है और शायद ये पुरुषों को अच्छी ना लगे बात सच्चाई है कि अगर आप आठ घंटा काम करते हो दस घंटा काम करते हो तो हिंदुस्तान की महिलाएं सोलह घंटे अठारह घंटा काम करती हैं। और जो घर में काम करती हैं खाना पकाती हैं देश के भविष्य की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। उस आठ दस घंटे काम के लिए उनको एक रुपया नहीं मिलता है और कभी नहीं मिला है देखा ये जो पुरुष हैं इन्होंने ताली इतनी जोरों से नहीं बजाई इसको जोर से बजाइए, ये सच्चाई है इसको छुपाया नहीं जा सकता है ये हर घर जानता है तो हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं महालक्ष्मी योजना क्या है मैं बता रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी करोड़ों नाम होंगे उसमें उस लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल एक लाख रुपए अंदर डाल देगी हर महीने पहली तारीख को करोड़ों लोग जागेंगे बैंक अकाउंट में आठ हजार पांच सौ रुपए महीने के खटाखट 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 खटा -खट आएंगे ये किसान के परिवार होंगे मजदूरों के परिवार होंगे छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे बेरोजगार युवा होंगे इन परिवारों में पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो दुगना काम करती है यह बात नहीं होगी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा मैं जानता हूं अंत में पैसा आपको भी मिलेगा आप किसी ना किसी तरीके से निकाल लोगे मगर उनकी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा तो यह है पहला तरीका करोड़ों लाखपति बनाने का और ये जो पैसा है ये उस दिन तक बैंक अकाउंट में जाएगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से नहीं निकलेगा ये टेम्पररी एक महीने का काम नहीं है ये उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलेगा पहला काम दूसरा काम अदानी जी के जो बेटे हैं जॉब मार्केट में जाने से पहले उनको टेम्पररी जॉब मिलती है छह महीने की एक साल की वो अदानी कंपनी में जॉब करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है बैंक अकाउंट में पैसा आता है जॉब करना सीखते हैं और फिर उसके बाद में परमानेंट उनको जॉब दी जाती है बिजनेस में उनको जगह दी जाती है यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता किसान का बेटा मजदूर का बेटा अप्रेंटिसशिप का सपना पहले साल की नौकरी का सपना नहीं देख सकता है तो हमारी दूसरी योजना जिसको हमने नाम दिया है पहली नौकरी पक्की जैसे मनरेगा में अधिकार देते थे रोजगार का अधिकार वैसे ही यह अधिकार हिंदुस्तान के हर ग्रेजुएट को कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा कोई भी बेरोजगार युवा सरकार से एक साल की अप्रेंटिसशिप मांग सकेगा और सरकार को गारंटी करके उसको एक साल की नौकरी देनी ही पड़ेगी नौकरी कहां होगी प्राइवेट सेक्टर में होगी पब्लिक सेक्टर में होगी सरकारी अस्पतालों में होगी सरकारी ऑफिस में होगी सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होगी और करोड़ों युवाओं को साल का एक लाख रुपया महीने का आठ हजार पांच सौ रुपया और एक साल की टॉप ऑफ लाइन ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद हिंदुस्तान को एक ट्रेन वर्कफोर्स इस योजना के माध्यम से मिलेगी तो एक प्रकार से जॉब मार्केट में अंदर जाने का यह तरीका है जो दीवार नरेंद्र मोदी जी ने बना रखी है उस दीवार को तोड़ने का तरीका हमारा पहले नौकरी पक्की स्कीम है अब किसान कहेंगे देखिए राहुल जी आपने महिलाओं का कर दिया काम बेरोजगार युवाओं को बच्चों की आपने देखभाल कर दी हमारा क्या होगा तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ होगा और जो आप मांग रहे हो जिस चीज के लिए आप हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं कानूनी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों के लिए हम लीगल गारंटी देके कर रहे हैं मजदूर कहेंगे भैया किसानों का काम कर दिया हमारा क्या होगा आजकल मनरेगा 250 रुपए मिलते हैं मनरेगा में हम 400 रुपए मजदूरों को देंगे आंगनवाड़ी और आशा बहनें जो हैं उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं तो ये करेक्शन करने की जरूरत है जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दस साल किया चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया मदद करी पूरा धन उन्हीं लोगों को दे दिया इसको करेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा देने जा रही है दो तीन चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं देखिए हिंदुस्तान का युवा जब सेना में जाता है देशभक्ति की भावना से जाता है बॉर्डर पर खड़ा होता है देश की रक्षा करता है और जान भी देने के लिए तैयार होता है मुझे लगता है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि अग्निवीर योजना हमारे जवानों पर अपमान है इसीलिए हमने निर्णय ले लिया है कि दो तरीके के शहीद नहीं होंगे एक ही शहीद होगा सबको शहीद शहीद का दर्जा मिलेगा सबको पेंशन मिलेगी सबको कैंटीन मिलेगी सबकी रक्षा होगी जो गारंटी हिंदुस्तान की सेवा सेना सैनिकों को देती है प्रोटेक्शन की जो गारंटी देती है वो मिलनी चाहिए इसलिए अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे फाड़ के फेंक देंगे इसको। इसकी कोई जरूरत नहीं है आर्मी ने ये स्कीम नहीं मांगी ये स्कीम नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से आई है पीएम ऑफिस से आई है और यह स्कीम इससे स्कीम इस से देश का नुकसान हो रहा है इसलिए स्कीम इस को हम रद्द कर देंगे आखिरी बात अगर देश में रोजगार पैदा करना है तो दो तीन चीजें करनी होंगी सबसे पहले जो हमारे छोटे व्यापारी हैं स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं डायमंड हीरे का बिजनेस करते हैं इनकी रक्षा करनी होगी और बैंक के दरवाजे इनके लिए खोलने होंगे आजकल अदानी जी को बैंक लोन मिल जाता है मगर जो छोटा बिजनेस चलाता है एंटरप्रेनर होता है उसको बैंक लोन नहीं मिल सकता तो बैंक के दरवाजे हम इन लोगों के लिए खोल देंगे और दूसरी बात यह जो जीएसटी है ये गलत जीएसटी है पांच अलग अलग टैक्स किसानों पर टैक्स इतना ऊंचा टैक्स इसकी कोई जरूरत नहीं है जीएसटी को हम बदलेंगे मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे जीएसटी बनेगी एक जीएसटी होगी कम से कम टैक्स होगा सिंपल जीएसटी होगी इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा नई जीएसटी हम लागू करके आपको दिलवा देंगे यह मैं आपसे कहना चाह रहा था दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और एक आखिरी बात यहां जो भावनगर के जो महाराजा थे उन्होंने जो देश के लिए किया अपना राज जो उन्होंने देश को समर्पित समर्पित किया उसकी हम हम या उनकी याद करते हैं और उनकी धन्यवाद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद खूब खूब आभार आभार विधि હું સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તમામ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ આપ સૌનો આભાર આપણે બે હાથ ઊંચા કરી અને રાહુલજીને સમર્થન કરીશું રાહુલજી તું માગે બધું ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧੋ